देखो भाई, ये देखो ये नज़ारा देखो। तो गाइस अभी देख सकते हैं हम लोग समुद्र के अंदर आ चुके हैं भाई, और यहाँ पर सभी लोग छठ पूजा का पर्व मना रहे हैं। इधर का नज़ारा देखो, सभी लोग अपनी वेदी के पास बैठे हुए हैं, दिया वगैरह जला के। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस के ब्लॉग। दोस्तों फाइनली अभी हम आ चुके हैं मुंबई के जुहू बीच पर, और आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को दिखाने वाले हैं कि मुंबई के जुहू बीच पर लोग छठ पूजा का त्यौहार किस तरह से मनाते हैं। जितने भी लोग यूपी बिहार के यहाँ पर रहने वाले लोग होते हैं और जो लोग मुंबई में रहते हैं, वो लोग छठ पूजा का जो त्यौहार है वो मुंबई के जुहू बीच पर किस तरह से मनाते हैं, इस वीडियो में पूरा आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैं रात तक रुकने वाला हूँ, और यहाँ पर बहुत सारे अभिनेता भी आएंगे। देखिए वो मेन पॉइंट पे कितनी ज़्यादा क्राउड वहाँ पर इकट्ठा हो गई है, और धीरे धीरे लोग पीछे वेदी वगैरह अपना बना रहे हैं, और देखिए उधर भी लोग आ रहे हैं, और मेन पॉइंट पे बहुत ज़्यादा क्राउड है। अभी हम आपको मेन पॉइंट पे ले चलेंगे और पूरा नज़ारा यहाँ का दिखाएंगे कि मुंबई में छठ पूजा का त्यौहार किस तरह से मनाया जाता है और कितनी ज़्यादा भीड़ लगती है। बहुत सारे यहाँ पर अभिनेता भी आते हैं शाम के टाइम में। तो चलिए मेन पॉइंट पे चलते हैं और आपको यहाँ का पूरा नज़ारा अच्छे से दिखाते हैं। ये वीडियो 2 से 3 पार्ट में आने वाली है, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर रात तक रुकूँगा, कल सुबह तक रुकूँगा, पूरा फुल ब्लॉग आपको इसमें दिखाऊँगा। तो आप लोग हमारे चैनल प्रिंस के ब्लॉग को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों देख सकते हैं ये जुहू बीच का नज़ारा, इधर बच्चे समुद्र में नहा रहे हैं भाई, वो देखो छोटे छोटे बच्चे मस्तियाँ कर रहे हैं, और इधर देखो ये क्राउड देखो आप, धीरे धीरे क्राउड इकट्ठा हो रही है। उधर किनारे देखो लोग अपनी वेदी वगैरह बना रहे हैं, ये देखो सभी लोग वेदी बना रहे हैं भाई, और मेन पॉइंट पे देखो कितनी ज़्यादा क्राउड है। मेन पॉइंट उधर है, उधर देखो कितनी ज़्यादा क्राउड है। अभी मैं आपको सामने ले चल के अच्छे से दिखाऊँगा मेन पॉइंट पर कि किस तरह से यहाँ पर लोग छठ पूजा का त्यौहार मनाते हैं और कितना ज़्यादा यहाँ पर क्राउड इकट्ठा होता है आज के दिन भाई। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक गाइज बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको जुहू बीच का पूरा शानदार सा नज़ारा दिखाने वाला हूँ आज के दिन का, कि मुंबई में लोग छठ पूजा का त्यौहार भाई कैसे मनाते हैं, किस तरह से यहाँ पर भीड़ लगती है भाई। वो देखो भाई लोग वेदी बना रहे हैं, अपना सारा फल लेकर जो दूर दराज से आते हैं ना, वो रात में यहीं पर रुक जाते हैं, वो लोग वापस शाम को घर नहीं जाते हैं, वो लोग यहीं पर रहते हैं, क्योंकि फिर जाना फिर आना, तो पूरा रात यहाँ पर क्राउड लगा रहता है। आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा फुल ब्लॉग यहाँ का दिखाएंगे गाइज। गाइज यहाँ पर देख सकते हैं कितने ज़्यादा मेन पॉइंट पे क्राउड है। मेन पॉइंट पे मैं पहुँचने वाला हूँ, यहाँ पर पूरा महाराष्ट्र प्रशासन ने काफ़ी अच्छा इंतजाम यहाँ पर किया हुआ है। बीच में उधर देखिए तंबू वगैरह लगाया गया है भाई, अभी मैं वहाँ पर भी आपको ले चलकर दिखा रहा हूँ। और इधर देखो किस तरह से लोग अपना छठ पूजा का त्यौहार मना रहे हैं, और इधर देखो ये बांस के भंडे लगाए हुए हैं ताकि भीड़ भड़ाका हो ज़्यादा, तो इधर से किनारे से लोग आ सकें निकल सकें। ये सारी चीज़ों को ऐसे घेर दिया गया है कि ज़्यादा उधर लोग ना बढ़ें, उधर क्राउड ना हो भाई। ये देखो यहाँ का शासन प्रशासन कितना खास इंतज़ाम किया हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर पूरी पुलिस फोर्स भी आज के दिन तैनात रहती है, और पूरा सुरक्षा का इंतज़ाम पुख्ता किया जाता है। इधर देखो ये भंडे गाड़े गए हैं ना, जो इसके अंदर लोग अपना ये जो वेदी वगैरह है बनाते हैं। देखो उखड़ी वगैरह लगा के फल वगैरह रख के इस तरह से लोग यहाँ पर छठ पूजा का त्यौहार जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, उसका व्रत मनाते हैं भाई। ये देखो उधर तंबू लगा हुआ है, आइए छठ उत्सव महासंघ के नाम से। ये देखो ये जुहू बीच का मेन पॉइंट है, उधर देखो क्राउड कितनी ज़्यादा है भाई, इधर से तो निकलना मुश्किल है यार, पूरा घेर दिया गया है। हाँ इधर से हम लोग निकल सकते हैं, इधर थोड़ा सा जगह है आने जाने का भाई, यहाँ से हम लोग निकल सकते हैं। ये देखो भाई किस तरह से यहाँ पर वेदी वगैरह बनाई गई है, इधर भी ये देखो बीच में तंबू लगा है। उधर देखो आज तक न्यूज वाले भी आए हुए हैं, वो देखो वो जा रहे हैं, न्यूज वाले भी आज यहाँ पर आते रहते हैं भाई। और ये पंडाल वगैरह सब बनाया गया है, ये देख सकते हो, और यहाँ भाई कुलदीप भाई मिल गया है,
ये भाई पहले से आया हुआ है, गांव गया हुआ था, शूट करने बहुत टाइम है। हाँ अभी तो बहुत टाइम है। तो गाइज इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा, अभी आपको बहुत कुछ दिखाना बाकी है ना कुलदीप भाई, बहुत कुछ दिखाना बाकी है भाई। यहाँ पे छठ पूजा का त्यौहार कैसे लोग मनाते हैं आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। आप लोग गांव का तो छठ पूजा देखते ही होंगे, लेकिन मुंबई के जुहू बीच पर किस तरह से मनाया जाता है इस वीडियो में वो दिखाऊंगा। इधर देखो पूरा लोग वेदी बना के बैठे हुए हैं, अभी क्राउड इतनी ज्यादा हो जाएगी, इतनी ज्यादा क्राउड हो जाएगी क्या हो जाएगा कि पूरा पैर रखने का जगह नहीं मिलेगा, रखने तक की जगह नहीं मिलेगा। हाँ तो गाइज बने रहिएगा, अभी मिलते हैं कुछ देर में फिर। अभी हम ऊपर रोड पर आ चुके हैं और थोड़ा सा आपको इस साइड का नज़ारा दिखा दें कि यहाँ पर किस तरह से लोग छठ पूजा की तैयारी कर रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर वेदियाँ वगैरह बनाई जा रही हैं, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा क्राउड है, क्योंकि ये मेन पॉइंट है ना। और इधर पुलिस की सुरक्षा काफ़ी ज़्यादा है भाई, अभी शाम होगा ना तो पुलिस वाले हर रास्ते से निकलने नहीं देंगे, एक रास्ता एंट्री के लिए होगा, एक रास्ता आउटर के लिए होगा। और ये है देखो इधर ये गेट बनाए गए ना, ये शाम को खूब बढ़िया से जलाए भी जाएंगे। इधर देखो लोग अपनी अपनी वेदियाँ बना रहे हैं, अपने परिवार के साथ आए हुए हैं, यहाँ पर लोग चटाई वगैरह लेकर आते हैं क्योंकि वो लोग रात को रुकते भी हैं। इधर देखो एक गेट एंट्री के लिए बनाया गया है, इसको शाम को ना रोक दिया जाएगा, इधर से सिर्फ एंट्री होगी और साइड से लोग बाहर निकलेंगे। तो ये देखो भाई यहाँ पर गन्ने वगैरह लगा चुके हैं लोग और अपने परिवार के साथ आए हुए हैं और यहाँ पर चटाई लेकर पॉलिथीन लेकर आए हुए हैं, क्योंकि ये लोग ना पूरी रात रुकते हैं, जिनका घर नज़दीक रहता है वो लोग तो तुरंत चले जाते हैं, लेकिन जो दूर के रहते हैं वो पूरी रात यहीं पर अपना बिताते हैं। तो ये जुहू का मेन पॉइंट का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ ऊपर का। यहाँ पर सुलभ शौचालय भी आपको मिलेगा, एक इधर है एक मेन पॉइंट के थोड़ा सा आगे है, पुलिस की गाड़ियाँ बगल में खड़ी हैं और किस तरह से लोग यहाँ पर अपनी वेदी को बना कर रखे हुए हैं और वहाँ पर पूजा पाठ चालू कर दिए हैं, ये मैं आपको लाइव वीडियो दिखा रहा हूँ। अभी जुहू बीच में ना काफ़ी ज़्यादा क्राउड होने वाली है, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि अभी आपको बहुत कुछ दिखाना बाकी है। दोस्तों आज के दिन आप जिधर भी नज़र दौड़ाओगे ना आपको इसी तरह छठ पूजा का त्यौहार मनाने वाले लोग ही मिलेंगे। देखिए मैं दूसरे साइड भी आया, इधर देखिए वेदी वगैरह बनाकर अपने प्रसाद वगैरह को यहाँ पर ला रहे हैं और देखिए यहाँ पर कुछ लोग छाते भी लेके नीचे बैठे हुए हैं, यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं। एक बार आपको ऊपर से ही चारों तरफ का नज़ारा दिखा दूँ, जुहू बीच के मेन पॉइंट का नज़ारा। इधर देखो इधर क्राउड देख रहे हो ना, अभी शाम के 3:30 हो रहे हैं लेकिन अभी बहुत सारे लोग आने बाकी हैं। इधर देखो क्राउड मेन गेट के पास भाई, ये मेन पॉइंट है जुहू का और पीछे ही मेन गेट भी है, आज के दिन गेट बनाया गया है। इधर भी देखो क्राउड किस तरह से यहाँ पर क्राउड धीरे धीरे इकट्ठा हो रही है, धीरे धीरे लोग बढ़ रहे हैं। अभी ना इस भंडे के आगे भी लोग अपनी वेदी बना लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड होने वाली है और छठ के त्यौहार में जुहू बीच पर ऐसे ही होता है। इधर देखो चारों तरफ आपको आज के दिन छठ पूजा मनाने वाले लोग श्रद्धालु ही मिलेंगे, जितने लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं सभी लोग छठ पूजा का पर्व मनाने के लिए यहाँ पर आए हैं। वैसे भी घूमने तो आते रहते हैं लेकिन आज के दिन छठ पूजा का त्यौहार मनाया जा रहा है पूरे देश भर में और मुंबई के जुहू बीच पर किस तरह से छठ पूजा मना रहे हैं लोग, क्या व्यवस्था है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए मेरे सामने ही लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, दीपक जला रहे हैं और चटाई वगैरह लेकर पॉलिथीन वगैरह लेकर आए हुए हैं क्योंकि फैमिली के साथ ये लोग रात भर इधर ही रुकते हैं। इधर देखो जूम करके दिखाऊं तो कितनी भीड़ है, सामने भी देखो लोग अंदर समुद्र में भाई नहा रहे हैं, मस्तियाँ कर रहे हैं और कितनी ज़्यादा क्राउड है मेन पॉइंट पर, ये मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, देख रहे हो कितना ज़्यादा भीड़ है भाई। तो मुंबई के जुहू बीच पर छठ पूजा का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, मैं आपको पूरा लाइव वीडियो अच्छे से दिखा रहा हूँ। ऊपर तो लोग वेदी बनाकर पूजा की तैयारी करने में लगे हैं, आइए मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कितना लोग यहाँ पर मस्तियाँ भी कर रहे हैं भाई। ये देखो समुद्र के पानी में अंदर छोटे छोटे बच्चे भाई नहा रहे हैं, ये देख रहे हो, ये मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, तो देखो कितना अंदर जाकर लोग स्नान कर रहे हैं भाई, मस्ती कर रहे हैं आज के दिन। और ये जुहू बीच का क्राउड काफ़ी अच्छा लगता है जुहू बीच पर, लेकिन आज के दिन तो भाई सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है और अच्छा भी लग रहा है क्योंकि छठ पूजा का पर्व यहाँ पर लोग मना रहे हैं। ये देखो इधर जूम करके दिखाऊं तो मैं अभी, ये देखो पहले देखो इधर बच्चे बैठे हैं भाई छोटे छोटे, आराम से खेल रहे हैं सब। ये देखो चारों तरफ का नज़ारा, क्या पब्लिक है भाई, किस तरह से छठ पूजा का पर्व मनाया जा रहा है। ऊपर पूरा गन्ने का पत्ता दिख रहा है, पूरा गन्ना लगा हुआ है भाई, ये देख रहे हो चारों तरफ का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वीडियो में। यहाँ पर थोड़ा सा आपको मैं जूम करके दिखाऊं कहाँ पर लोग नहा रहे हैं अंदर जाकर, ये देखो देख रहे हो पूरा भाई कितना पानी में लोग अंदर चले जा रहे हैं, ये देखो नहाने के लिए। और लगातार यहाँ पर पुलिस वाले मना करते हैं लेकिन लोग मानते नहीं हैं भाई। इधर देखो कितनी ज़्यादा पब्लिक आ चुकी है, अब धीरे धीरे ना पब्लिक जो है वो बढ़ रही है। गाइस इधर देखो पूजा पाठ चालू हो चुका है,
यहाँ पर दीपक जला के कपूर अगरबत्ती जलाया जा रहा है, सारे फल को चढ़ाया जा रहा है सूर्य देवता को। और अभी मैं मुंबई के जुहू बीच पर ही हूँ, अब पूजा शुरू हो चुकी है। अभी ये सभी लोग समुद्र के अंदर जाएंगे तो मैं वो वाला वीडियो भी आपको पूरा अच्छे से शूट करके दिखाऊंगा गाइस। तो गाइस फाइनली यहाँ पर धीरे धीरे क्राउड ज़्यादा इकट्ठा हो रही है क्योंकि अब पूजा का टाइम भी हो चुका है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे पीछे कितनी ज़्यादा क्राउड इकट्ठा हो गई है। इधर लोग समुद्र में स्नान भी कर रहे हैं और हमारे पीछे देखो भाई चारों तरफ आपको क्राउड ही क्राउड नज़र आ रही होगी। किस तरह से यहाँ पर छठ पूजा का त्यौहार मनाया जाता है आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा फुल ब्लॉग दिखा रहा हूँ। और आगे बहुत ही बड़े बड़े मंच भी लगाए गए हैं क्योंकि बहुत बड़े बड़े यहाँ पर सेलिब्रिटी लोग आते हैं शाम के टाइम में, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को कुछ खाना पीना है तो यहाँ पर दुकान ऊपर है, आप लोग आराम से जाके कुछ खा पी सकते हैं। और यहाँ पर बैठने के लिए चटाई वगैरह सब कुछ मिलता है भाई। इधर देखो लोग बैठे हुए हैं, वेदी वगैरह बनी हुई है, वहाँ पर पूजा पाठ लोगों का शुरू हो चुका है। तो छठ पूजा का त्यौहार जुहू बीच पर किस तरह से लोग मनाते हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से दिखा रहा हूँ गाइस। सामने देखो भाई, सामने देखो लोग कितना अंदर जा जा के नहा रहे हैं, वो देखो छोटे छोटे बच्चे भाई। ये देखो मैं जूम करके थोड़ा सा दिखाऊँ, ये देखो ये है जुहू बीच मुंबई का नज़ारा। आज के दिन छठ पूजा का त्यौहार लोग किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं, किस तरह से मना रहे हैं वो मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ अच्छे से। ये देखो सभी लोग अपने परिवार के साथ आए हुए हैं, ये लोग पूरी रात यहाँ पर रुकते हैं जो लोग दूर दराज के रहते हैं। और पुलिस भी यहाँ पर तैनाती में लगी हुई है भाई, किसी तरह की कोई घटना वगैरह ना हो इसके लिए। और यहाँ पर क्राउड देखो भाई कितनी ज़्यादा क्राउड है, यहाँ पर देखो बड़े बड़े मंच लगाए गए हैं। मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा सा जूम करके तो देखो छठ पूजा 2023 करके एक मंच लगा हुआ है, यहाँ पर कोई ना कोई सेलिब्रिटी ज़रूर आएगा क्योंकि पिछली बार यहाँ पर पंकज त्रिपाठी सर आए हुए थे। ये देखो भाई यहाँ पर लगा हुआ है, आगे भी स्टेज वगैरह लगा हुआ है उधर। अभी मैं आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगा अच्छे से गाइज। गाइज ये देखो मुंबई के जुहू बीच पे ये होटल के जस्ट सामने भाई बेदी बनी हुई है, कितनी प्यारी तरीके से बेदी को सजाया हुआ है और कितना बढ़िया तरीके से छठ पर्व को मनाया जा रहा है। लोग यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं। ये देखो भाई मैं आपको लाइव वीडियो दिखा रहा हूँ मुंबई के जुहू बीच का, किस तरह से लोग बेदी को बनाए हुए हैं और किस तरह से मुंबई के जुहू बीच पे अपने परिवार के साथ लोग इस पर्व को मना रहे हैं। किनारे किनारे पूरी बेदियां बनाई गई हैं भाई, पूरा लाइन से पूरा बेदी बना हुआ है और यहीं पर लोग छठ पूजा का त्यौहार मनाते हुए नज़र आते हैं हर साल। ये देखो किस तरह से बेदी बनाई गई है भाई, काफ़ी सुंदर यार, काफ़ी सुंदर तरीके से छठ पूजा का त्यौहार लोग मनाते हैं। इसी तरह भाई जो मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ ना, ये मुंबई के जुहू बीच का नज़ारा है भाई, ये देख रहे हो पूरा किनारे तक इस तरह से लोग बेदी बना के रखे हुए हैं, गन्ने को धसा के साड़ी वगैरह बांध के। ये देखो और यहाँ पर आज के दिन पब्लिक ना भाई 10 से 12 लाख की पब्लिक यहाँ पर इकट्ठा होती है। अभी शाम के टाइम जैसे थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगेगा तो बहुत ज़्यादा पब्लिक यहाँ पर जुट जाती है भाई इसे देखने के लिए। ये देखो भाई पूरा साइड साइड का व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो भाई लोग पटाखे भी यहाँ पर जला रहे हैं यार। दोस्तों लोक आस्था का महान पर्व छठ पूजा किस तरह से यहाँ पर लोग मना रहे हैं वो मैं आपको इस वीडियो में पूरा दिखा रहा हूँ। आगे यहाँ पर कुछ गाने वगैरह चल रहे हैं लेकिन वो लोग अपनी धुन बजा रहे हैं, कोई म्यूजिक नहीं बज रहा है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर म्यूट नहीं किया क्योंकि कॉपीराइट क्लेम का डर नहीं रहता है कि जब कोई अपनी बजाता है तो। इधर देखो इधर तंबू वगैरह बनाए गए हैं जहाँ पर छठ पूजा का पर्व जो है वो मनाया जा रहा है। आपको बता दें आज के दिन भाई लोग सिर पर पूरी पकवानों ठेकुआ और फलों से भरी बांस की टोकरी और हाथों में गन्ने का डंडा लिए हुए दिखाई दे रहे होंगे चारों तरफ। और यहाँ पर ना हमेशा मतलब हर साल इसी तरह की क्राउड लगती है। अभी धीरे धीरे आप लोग देखिएगा कि ये क्राउड धीरे धीरे बढ़ती ही जाएगी। इधर देखो भाई इधर भी कुछ मंच लगाए गए हैं, पुलिस वाले भाई अपनी तैनाती में लगे हुए हैं, चारों तरफ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। और इधर देखो किस तरह से लोग बेदी बना के अपने परिवार के साथ बैठे हुए हैं। और यहाँ पर भाई फ्री में पानी पीने को दिया जा रहा है, आप लोग फ्री में पी सकते हो। छठ पूजा जल वितरण समिति बगौल मुंबई लिखा हुआ है और पानी फ्री में दिया जा रहा है। इधर गाने वगैरह का इंतजाम किया गया है, शाम को यहाँ पर प्रोग्राम चालू हो जाएगा और मेन पॉइंट पर भी प्रोग्राम शाम के टाइम चालू हो जाएगा। तो जितने भी लोग रात में रुकेंगे ये इस प्रोग्राम से आराम से अपना रात काट सकते हैं भाई, क्योंकि बहुत ही अच्छा अच्छा भजन गीत वगैरह यहाँ पर लोग गाते हैं। और ये समुद्र का नज़ारा जुहू बीच का पूरा मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ गाइस। दोस्तों आपको पता ही होगा कि ये व्रत महिला और पुरुष दोनों लोग करते हैं और इसमें शुद्धता और साफ सफाई का ना
काफी खास ध्यान रखा जाता है। आपको बता दें कि ये पूजा शुक्रवार को नहाए खाए से शुरू हो चुकी है। इधर देखो भाई, इधर फ्री में आपको पानी पीने को मिल जाएगा, उधर फल वगैरह रखा हुआ है आराम से, मतलब पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो इस तरह से व्यवस्था यहाँ पर किया गया है सभी छठ पूजा मनाने वाले लोगों के लिए। अभी क्राउड धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो चुकी है भाई। दोस्तों आपको बता दें कि मुंबई में छठ पूजा का त्यौहार कहां कहां पर मनाया जाता है, तो सबसे पहले जुहू बीच के अलावा गिरगांव चौपाटी, बाणगंगा तालाब, नेशनल पार्क, शिवाजी पार्क मैदान, मढ़ मारवे अक्सा बीच और पवई तालाब, भाईंदर के जैसल पार्क चौपाटी, मुलुंड स्थित सरदार तारा सिंह तालाब, नवी मुंबई के खांदेश्वर तालाब, थाने के स्थित उपवन तालाब, नाला सुपारा के कलम बीच और राजौरी बीच, चक्रेश्वर तालाब, ओचोले तालाब, नया नगर तालाब और विरार के मनवेल पाड़ा, फुलपाड़ा डैम समेत कई सारे जलाशयों के किनारे भी छठ पूजा का त्यौहार न मनाया जाता है। फिलहाल ये वीडियो मैं आपको मुंबई के जुहू बीच का दिखा रहा हूँ, जहाँ पर छठ पूजा का त्यौहार मनाया जा रहा है। आपको बता दें जुहू बीच, मढ़ मारवे, जैसल पार्क, इन सभी जगहों पर न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। और इधर देखिए लोग अपनी वेदी को अभी तैयार कर रहे हैं, उसमें फल वगैरह मीठा वगैरह रख रहे हैं और वहाँ पर अगरबत्ती दीपक वगैरह लोग जला रहे हैं। ये देखो भाई, ये मुंबई के जुहू बीच का पूरा नज़ारा छठ पूजा के दिन का। दोस्तों आपको एक चीज़ बता दें कि मुंबई के जुहू बीच पर ऐसे ही लोग छठ पूजा नहीं मना लेते हैं, यहाँ पर सरकार से इसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है। मैं आपको बता दूँ कि जुहू तट पर छठ उत्सव महासंघ के अध्यक्ष मोहन मिश्र के नेतृत्व में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच न छठ पूजा का महोत्सव मनाया जा रहा है। बिहारी फ्रंट के संयोजक संजय निरुपम के नेतृत्व में मैथिली और भोजपुरी छठ गीतों पर न आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी आज के दिन यहां पर किया गया है। राजनीतिक दलों के नेताओं, फिल्मी सितारों और कलाकारों से छठ घाट न गुलजार होता रहता है और आज के दिन भी कोई ना कोई जरूर यहाँ पर आएगा। अब आइए थोड़ा सा हम लोग समुद्र के अंदर चलते हैं, क्योंकि सभी लोग समुद्र में अपना व्रत जो लोग भी रखे हुए हैं वो लोग अंदर जा चुके हैं पानी में। किस तरह से अर्घ वगैरह दिया जा रहा है, किस तरह से लोग पूजा वगैरह कर रहे हैं अंदर, वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। चलिए अब हम भी थोड़ा सा अंदर घुसते हैं, पैंट तो भाई भीगेगा लेकिन चलिए आप लोगों के लिए थोड़ा सा अंदर एंट्री करते हैं। ये देखो भाई, पानी की धारा तो देखो, समुद्र की धारा, और इसी में सभी लोग जाकर भाई अंदर वहाँ पर खड़े होकर पूजा वगैरह कर रहे हैं। इधर देखो औरतें खड़ी हो गई हैं सूप में अपना प्रसाद वगैरह लेके सूर्य भगवान के सामने, और ये सभी लोग व्रत रखी हुई हैं। ये है जुहू बीच का नज़ारा, मैं आपको दिखा रहा हूँ गाइस किस तरह से यहाँ पर छठ पूजा का जो त्यौहार है उसको लोग यहाँ पर मना रहे हैं, और इसी में बच्चे मस्तियाँ भी कर रहे हैं। ये नज़ारा देखो भाई, इधर देखो नज़ारा, ये जुहू बीच के समुद्र में लोग ये पर्व जो है उसको मना रहे हैं। तो गाइस अभी देख सकते हैं हम लोग समुद्र के अंदर आ चुके हैं भाई, और यहाँ पर सभी लोग छठ पूजा का पर्व मना रहे हैं समुद्र में आके। और अब यहाँ पर धीरे धीरे सूर्यास्त भी होने वाला है, हमारे पीछे देखिए सूर्य भगवान अब अस्त होने वाले हैं, और जब अस्त हो जाएंगे तब यहाँ से ये लोग निकलेंगे और फिर ये लोग सुबह को पानी में आएंगे। इसी प्रकार से अर्घ वगैरह दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पीछे किस तरह से छठ पूजा का जो पर्व है उसको लोग मना रहे हैं काफ़ी आस्था के साथ। और जो समुद्र की लहरें हैं भाई, वो एक बैग ना काफ़ी तेज़ी के साथ आ रही हैं, और हम भी यहाँ तक पूरा भीग चुके हैं यार कमर तक। तो देखिए काफ़ी अंदर तक लोग जाके खड़े हुए हैं समुद्र में, और किस तरह से ये लोग छठ पूजा का पर्व मना रहे हैं मैं आपको इस वीडियो में पूरा लाइव गाइस दिखा रहा हूँ कि समुद्र में जुहू बीच पर लोग किस तरह से छठ पूजा का पर्व मनाते हैं। इधर बच्चे भाई मस्तियाँ कर रहे हैं, नहा रहे हैं, और इधर देखो लोग सभी लोग खड़े हुए हैं भाई, सभी लोग खड़े हैं सूर्य जी का और छठ माता जी का व्रत रखकर पूजा पाठ को कंप्लीट कर रहे हैं अपने। ये देखो पीछे मेरे, ये देखो जुहू बीच का लाइव वीडियो मैं दिखा रहा हूँ गाइस आपको। इधर देखो अब काफ़ी ज़्यादा क्राउड जो है वो इकट्ठा हो चुकी है, और इधर भी लोग खड़े हैं और काफ़ी अंदर तक गए हैं। मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो इधर देखो, थोड़ा सा जूम करता हूं, ये देखो इधर भी औरतें और सभी लोग खड़े हैं पूजा के लिए, और इधर देखो कितना अंदर तक जाके सब खड़े हैं भाई, ये देख रहे हो बहुत अंदर तक गए हैं, एकदम गले गले तक पानी है। अभी मैं जूम करके आगे का भी आपको पूरा नज़ारा दिखा रहा हूं। तो इधर देखो कुछ मैंने बताया ना कि ये पर्व आदमी लोग भी मनाते हैं और व्रत रखते हैं, तो देखो कितना अंदर जाके भाई हाथ में प्रसाद लेकर सूर्य भगवान के लिए वहाँ पर एकदम अंदर तक गए हैं भाई, उनके गले तक पानी है, ये देखो कितना अंदर तक चले गए हैं। और इस तरह से यहाँ पर छठ पूजा का जो पर्व है वो मनाया जा रहा है मुंबई के जुहू बीच पर। कई सारे जगहों पर इस पूजा को, इस पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है इसी तरह।
इधर देखो गाइज, अभी थोड़ा सा पानी का लहर तो आने दो, समुद्र की लहर। ये देखो किस तरह से यहाँ पर लहरें उठ रही हैं भाई। ये देखो बहुत तगड़ी लहर उठ रही है भाई, बहुत तगड़ी लहर। ये देखो भाई, ऐसे में लोगों को पीछे धक्का दे दे रही है लहर, काफ़ी तेज़ है भाई। ये देखो मेन पॉइंट का हाल, अभी यहाँ पर ज़्यादा क्राउड नहीं थी, लेकिन अभी मैं मेन पॉइंट पे आ चुका हूँ और इधर क्राउड देखो कितनी ज़्यादा भाई बढ़ गई है। देख रहे हो बहुत ज़्यादा क्राउड इकट्ठा हो गई है भाई। अब धीरे धीरे यहाँ पर कई सारे लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई है। ये देखो चारों तरफ भाई, मैं पूरा आपको जूम करके पीछे का एरिया भी दिखाऊँ तो उधर भी लोग खड़े हैं और इधर मेन पॉइंट का नज़ारा देखो। ये हाल है मुंबई के जुहू बीच का छठ पूजा के दिन का। इधर देखो कितनी ज़्यादा क्राउड है ऊपर के साइड में। तो गाइस शाम वाला सूर्य भगवान अस्त हो चुके हैं, जो शाम को पूजा होती है, और धीरे धीरे सभी लोग समुद्र के पानी से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग एक घंटा दो घंटा ज़्यादा तक रहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अब अंदर से बाहर निकल रहे हैं। अब ये लोग यहीं पर बैठेंगे, यहाँ पर दीपक वगैरह जलाएंगे और रात भर रहेंगे। फिर कल सुबह में जब होगा तब ये लोग समुद्र के अंदर जाएंगे, जो अर्घ वगैरह है वो दिया जाएगा और इसी तरह से इनका पूजा सुबह तक भाई चलता रहेगा। देखिए कितनी ज़्यादा क्राउड है मुंबई के जुहू बीच पर, जैसे फल वगैरह जा रहा है भाई चढ़ाने के लिए। तो ये नज़ारा है मुंबई के जुहू बीच का। और फिलहाल मैं यहाँ पे अपना स्लीपर वगैरह निकाल दिया था, बैग वगैरह, क्योंकि मैं पी चुका हूँ भाई, ये देखो पूरा कमर तक बिक गया हूँ। तो चलिए पहनते हैं और अब मेन पॉइंट की तरफ भी चलते हैं। तो गाइस जिस वीडियो में मैंने आपको जुहू बीच का पूरा नज़ारा दिखाया है संध्या के समय का, यानी शाम के टाइम का, कि किस तरह से लोग छठ पूजा का पर्व यहाँ पर शाम का टाइम का मनाए हैं, पूरा अंदर भी गया था। और जो सुबह वाला और रात वाला है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में वो वीडियो दिखाऊंगा। तो उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और सुबह और शाम वाला वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट पार्ट वाला वीडियो भी मिल सके। तो शाम का क्या माहौल था, क्या नज़ारा था, वो मैंने आपको इस वीडियो में सब कुछ अच्छे से दिखा दिया है। तो उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी गाइस मिलते हैं नए ब्लॉग में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।